ये है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए इसके भी आंसर को कर ही देते हैं। चलिए कहते हैं यहां पे एक्स लिमिटेड इशू अ सब्सक्रिप्शन 50,000, 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम, 2 रुपए पेबल। तो हमने जो किया है, मैं वर्किंग नोट के थ्रू सीधा कर दूंगा, इशू किया है मैंने 50,000 और 10 रुपए का शेयर है जिसके ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए रखा गया है और पेबल कुछ इस तरीके से बताया है क्वेश्चन में। थोड़ा फास्ट करेंगे, 3 और 5 और 2 और 2, और यहाँ पे प्रीमियम इंक्लूडेड है, दैट इज 3 रुपये शेयर कैपिटल और 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। आगे क्या कहता है हमारा, एप्लीकेशन वर रिसीव 70,000 रुपये, तो एप्लीकेशन रिसीव हमने कर लिया यहाँ पे 70,000 रुपीज़, शेयर है ये। द शेयर वर प्रोराटा अलॉटमेंट बेसिस 60,000, 60,000 प्रोराटा बेसिस हुआ, मतलब हुआ क्या सर, हमारा जो एप्लीकेशन रिसीव है और अलॉटमेंट है कुछ इस तरीके से बना होगा, 60,000 को प्रोराटा किया तो 60 वालों को हमने दे दिए होंगे 50, और बाकी 10 वाले के बारे में बताया नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली है कि उसको रिटर्न कर दिया गया, जो कि आ जाएगा निल। आगे देखते हैं कि सर क्या कहता है, रिमेनिंग शेयर वर रिफ्यूट कर दिया हमने, मनी ओवर पे ऑन एप्लीकेशन वॉज ड्यू ऑन सम अलॉटमेंट, पुनीत हु 500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट, और वो अलॉटमेंट का पैसा देने में फेल हो गया, हिज शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड टू फर्स्ट कॉल, पे द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिचर कर दिए गए, हिज शेयर वर फॉरफिचर आफ्टर द फर्स्ट कॉल, और राहुल हु 800 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे टू कॉल्स, दोनों कॉल देने में फेल हो गया, दिस शेयर वर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंटली फाइनल कॉल। तो सर यहाँ पे दो बंदे फेलियर हैं, दोनों के मैं नाम लिख देता हूँ, एक तो बंदा कौन है सर, एक बंदा है हमारा फर्स्ट फर्स्ट शेयर होल्डर जो है पुनीत, कहाँ पे फेल हुआ सर, यहाँ पे पुनीत फेल हुआ, और पुनीत ने क्या करे थे, 500 शेयर वर अलॉटेड, इसने अलॉटेड हुए थे इसे, तो सर इसका अप्लाइड निकालना पड़ेगा है ना, और यहाँ पे दोनों जगह पे फेल हुआ है जिसका नाम है हमारा एक नया शेयर होल्डर, दैट इज राहुल, और राहुल को भी क्या था हमारा, ये भी अलॉटेड था ये 800। ठीक है सर, आगे देखते हैं, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर 1,000 शेयर वर सोल्ड टू अजय, 1,000 शेयर हमने अजय को सोल्ड किया, क्रेडिट फुल्ली पेड 9 रुपीज़, तो री इशू कर दिए हमने सर, री इशू कर दिए 1,000 शेयर, और वो भी एट द रेट ऑफ 9 रुपीज़। अब सर लेकिन फोरफिचर 9 हमारे 1,000 से तो ज़्यादा है, तो अब आगे क्या कहानी कह रहा है, ऑल शेयर ऑफ राहुल, यानी राहुल के 800 थे तो इसके कितने रहे होंगे, सिर्फ 200, इसके रहे होंगे सिर्फ 200, जबकि इसके कितने थे अलॉटेड सर, 500 अलॉटेड थे। ऑल राहुल शेयर फॉरफिटेड बीइंग इंक्लूडेड पास द जर्नल एंट्री कंपनी अबव द ट्रांजेक्शन, हमें जर्नल एंट्री करना है तो मैं फटाफट से जर्नल एंट्री कर देता हूँ, फटाफट करूंगा मैं, आप मैच करिएगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन थोड़ा रफली कर रहा हूँ मैं इस बात को, थोड़ा बस आप सुनते जाइएगा, कितने आए सर, 70,000 एप्लीकेशन आए, तो 70,000 × में कितने होंगे सर, 3, यानी सर 2,10,000, 2,10,000 शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक से पैसा वापस टू एडवांस, टू एडवांस, तो सर 2,10,000 इक्विटी शेयर 50 ही दे सकते हैं, तो 50 × में 1,50,000, और 10,000 को वापसी कर दिया तो 10,000, 30,000 वापसी हो गए, एडवांस हो गया 10,000 और 30,000 इधर आ गया एडवांस में, ये हो गया अलॉटमेंट। चलिए सर अब राहुल की भी कहानी समझ लेते हैं, तो सर राहुल ने, राहुल को अलॉटेड था सर, अलॉटेड था 500 शेयर, तो सर इसने अप्लाई जो किए होंगे, अप्लाई किए होंगे दैट इज 500, रेशो बनता है हमारा 5 सॉरी 6 / 5, यानी सर 600 अप्लाई किए होंगे, टोटल पैसा जो इसका आया होगा वो आएगा 600 × में 3, दैट इज 1,800 रुपये, एडजस्ट उसके हो गए होंगे 500 × में 3, दैट इज 1,500 रुपये, 300 बच गए एडवांस, अलॉटमेंट के पैसे मांगने जाएंगे, 500 × में सर कितने का था अलॉटमेंट, अलॉटेड 500 ही है,
वो दूसरा है, राहुल पुनीत की बात कर रहे हैं, मैं राहुल लिख दिया मैंने, तो 5 और 3 8 2। एक मिनट रुकिए, अब हम आ जाते हैं। चलिए सर, इसका फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, तो ये 5 रुपये का अलॉटमेंट था, 5 रुपये वाली एंट्री कर देते हैं, राहुल की जगह काट के पुनीत कर देते हैं। ये है पुनीत, ये है पुनीत, पुनीत तो 5 कितने थे भाई, भूल गया मैं, 5 रुपये, ठीक है ना। तो 5 रुपये मांगे हमने भाई, 2500 रुपये लाओ, इसने बोल दिया नहीं देंगे, तो 2200 रुपये इसका रह गया एरियर। चलिए अब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री कर लेते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री हो गई टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर है 50,000, 50,000 इंटू में 5 2.5 लाख, और 50,000 इंटू में 3 1.5 लाख, और ये आ गया हमारा 1 लाख। जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो बैंक अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? सर बैंक अकाउंट में आने चाहिए थे हमारे 2.5 लाख, लेकिन उसमें से एडवांस का पैसा नहीं आएगा, दैट इज़ कितना था, 1.5 लाख। एडवांस का पैसा 1.5 लाख ही ना, ये 60,000 है, 30,000 है एडवांस, 30,000, 30,000, 30,000। एडवांस का पैसा नहीं आएगा कितने, 30,000, और फेलियर का पैसा भी नहीं आएगा कितने, फेलियर कितना है हमारा, 2200 रुपये। तो सर कितने हो गए, माइनस करिए, 2.5 लाख, 2,17,000, 2,17,800, और मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट 2,17,800, थोड़ी जल्दी करने के लिए। इसके बाद क्या करेंगे सर, शेयर फाइनल कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे फिर से मांगेंगे हम 50,000, और कितने रुपए का था, 4 का, कितने कितने का देखो, ये है हमारा 2-2, 2-2 याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मांगेंगे 2 रुपये, दैट इज आपका 1 लाख, 1 लाख, और यहाँ भी आएगा 1 लाख। बैंक में जब पैसा लेने जाएंगे, बैंक में लेना कितना है, 1 लाख, 1 लाख में से कितने माइनस हो जाएंगे, जो फेलियर है, अब 2 फेलियर है, एक 500 शेयर जिसके पास, उसने 2 नहीं दिए होंगे, और एक और 800 शेयर राहुल, उसके भी 2 नहीं दिए होंगे, तो दैट इज 1,000 रुपये, और दैट इज 1,600 रुपये, तो 2,600 रुपये माइनस कर देंगे, 1 लाख में से 2,600 माइनस करेंगे तो 94,000, 97,400, 97,400, 97,400, 2 शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल सर, 97,400। इसके बाद बोला डायरेक्टली कर लो फोर फीचर, तो एक का फोर फीचर करना, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 मांगे नहीं है, तो 8 रुपये के हिसाब से, तो 500 इंटू में 8, दैट इज आपका 4,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कर देंगे डेबिट, क्योंकि ये फेल हो गया, तो 500 इंटू में 2, दैट इज 1,000 रुपये। और 2 शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर की बात करें तो टोटल पैसा भैया इसने दिया था 1,800 रुपये, तो शेयर फोर फीचर में जाएगा 1,800 रुपये। टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में एक सर यहाँ पे एरियर रहा था, ये कितना एरियर रहा था, यहाँ 2200, और यहाँ पे एरियर हो गया हमारा 1,000, तो 2200 और 1,000, 2200 और 1,000, 3200 रुपये। टोटल चेक कर लीजिए, मैच हो रहा है नहीं हो रहा, 3200 प्लस 1,800, तो दैट इज हमारा 21, हाँ 3200 प्लस में 1,800, 5,000, तो पूरे 5,000 मैच रहे हमारा। अब इसके बाद मांगेंगे क्या सर हम, शेयर फाइनल कॉल, तो शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम जो मांगेंगे 50,000 से नहीं मांगेंगे, ये मांगेंगे हम 49,500 शेयर से, इंटू में 2 रुपये, तो 49,500 इंटू में 2, दैट इज 99,000, कितने आ गए ये, 99,000। और अगली एंट्री होगा हमारा बैंक, बैंक में पैसा कितना आएगा, अगेन हमें 99,000 मिलने थे, लेकिन एक फेलियर हो गया जिसके पास 800 शेयर थे, इंटू में 2, 1,600 नहीं मिलेंगे, -1,600 माइनस कर देंगे, 97,400। और यहाँ पे फिर से आ जाएगा हमारा 2 शेयर फाइनल कॉल, 97,400 डायरेक्ट एंट्री किया। अब शेयर फोर फीचर इसका भी कर लो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 800 शेयर थे, इंटू में 10, दैट इज आपका 8,000। 2 शेयर फोर फीचर, तो कितने दिए इसने, 2 पैसे दे दिए थे इसने, अलॉटमेंट के दे दिए थे, और फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन दे दिया, तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन देखा तो 3 और 3 6 रुपये दे दिए, तो 8 6 4,800, 6 रुपये के हिसाब से 4,800 रुपये। शेयर फोर फीचर टू कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर में आ जाएगा 800 इंटू में 4, दैट इज 3200, ये हो गया फोर फीचर। बैंक से री इशू कर दो सर, बैंक से री इशू करोगे 1,000 शेयर इंटू में 9 रुपये के हिसाब से, तो 9,000, और शेयर फोर फीचर में नुकसान हो जाएगा हमारा, 1,000 शेयर इंटू में 1, दैट इज 1,000 रुपये।
और टू सर इक्विटी शेयर कैपिटल यानी 10,000 रुपये। अब आ जाओ कैपिटल रिजर्व पे। कैपिटल रिजर्व की बात करें तो कैपिटल रिजर्व हमारा यहाँ पे थोड़ा इसे छोटा करते हैं। सर आ जाओ कैपिटल रिजर्व पे। कैपिटल रिजर्व सर, कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला जाए? कैपिटल रिजर्व निकालने का तरीका अलग से है। राहुल का अलग निकाल लेंगे और पुनीत का अलग निकालेंगे। तो राहुल से मैंने टोटल जो कमाया है ना, वो पता है कितना कमाया? 4800। और ये कितने शेयर थे? 800। तो 800 शेयर पर नुकसान कितना हुआ? 800। तो इससे कमाई कितनी हुई हमारी? 8000। 800 कैसे नुकसान हुआ? यानी 800 शेयर इसके रीइशू करे, 1 रुपये का नुकसान, तो दैट इज 800। पुनीत से जो टोटल कमाए थे ना शेयर फॉरफीचर पे, वो कितने कमाए थे? 1800। और इसका नुकसान कितना हुआ सर? अगर 1800 में बात करूं, ये 500 शेयर पे कमाए गए हैं और इसके 200 शेयर ही रीइशू हुए हैं, तो 1800 डिवाइडेड बाय 500 इंटू में 200, तो 720 रुपये, यही आएगा ना? एक मिनट देख लेते हैं। 1800 डिवाइडेड बाय 500 इंटू में 200, इसके 200 ही है ना, तो 720 रुपये। तो इसके 720 रुपये कमाए गए हैं। ये तो कमाई टोटल है, लेकिन अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आएगा? 720 रुपये। नुकसान इसके कितने हो गए सर? 200 रुपये। तो इससे कितने कमाए? 520 रुपये। तो फॉरफीचर में कितना जाएगा? 8520 रुपये। तो एंट्री करने जा रहे हैं, चेक कर लीजिए एंट्री आप। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व क्या आया बताइए फटाफट, अगर आपकी किताब में क्वेश्चन है तो। 8520 रुपये चेक कर लीजिए। जो बच्चे बोल रहे थे नहीं आया इसका, तो ये 8520 रुपये होगा। बताइए डाउट।